हेलो स्टूडेंट, हमारा चैप्टर चल रहा है एनिमल किंगडम, जिसमें हमने रेप्टाइल्स के करेक्टर पढ़े थे अपने प्रीवियस वीडियो में। और आज हम रेप्टाइल्स के कुछ एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं स्नेक्स का। स्नेक्स लिम्बलेस, इलोंगेटेड एंड कार्निवोर्स रेप्टाइल होते हैं। इनके लिम्ब्स नहीं होते हैं और ये लंबे होते हैं और कार्निवोर्स। अब स्नेक्स में हम बात करेंगे कोबरा की। कोबरा का साइंटिफिक नेम होता है नाजा नाजा, और इसका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसके अंदर हुड प्रेजेंट होता है। हुड, और जो हुड होता है वो कैसे बनता है, नेक की स्ट्रेचिंग होने से बनता है। इनकी जो नेक होती है वो स्ट्रेच हो जाती है और वो किस में चेंज हो जाती है, हुड में चेंज हो जाती है। तो हुड इनका करेक्टरिस्टिक फीचर है। और जो स्नेक्स होते हैं उनकी जो टंग होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी बाइफर्केटेड होती है टंग, और वो अपनी टंग को फ्लिक करते रहते हैं बार बार, अपने माउथ से बाहर निकाल के फ्लिक करते रहते हैं। तो ये जो टंग होती है उन्हें हेल्प करती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मेल। जो स्मेल है उसके आसपास जो गंध आ रही है उसको डिटेक्ट करने में वो हेल्प करती है। तो जो टंग होती है उसके ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मेलिंग पार्टिकल, वो उस पर स्टिक हो जाते हैं और फिर स्नेक जो टंग है वो अंदर लेकर जाते हैं। और उनकी जो बक्कल कैविटी की रूफ होती है वहां जैकबसन ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। वो टंग को जैकबसन ऑर्गन तक लेकर जाते हैं और जैकबसन ऑर्गन उस स्मेल को डिटेक्ट कर लेते हैं। तो जो टंग है वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है जैकबसन ऑर्गन की फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मेल। नेक्स्ट करेक्टर होता है स्नेक्स का, करेक्टर है कि इनकी जो आईलेट्स होती हैं वो इमोबाइल होती है, यानी कि वो जैसे हमारी आईलेट मूव करती हैं उनकी आईलेट मूव नहीं करती हैं। और जो कोबरा है वो एक पॉइजनस स्नेक है, तो पॉइजनस स्नेक है तो इसके पास पॉइजन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। और जो पॉइजन ग्लैंड होती है वो मॉडिफाइड स्लेवरी ग्लैंड सी होती हैं। इनके अंदर डक्ट्स होती हैं और वो डक्ट जाकर खुलती हैं एट द बेस ऑफ फैंग। और फैंग टीथ होते हैं, स्पेशल टाइप के मैक्सिलरी टीथ होते हैं, एक पेयर होते हैं वो, यानी कि ऊपर वाले जबड़े में पाए जाते हैं और दो टीथ होते हैं। और इनके अंदर कैनाल्स प्रेजेंट होती हैं या ग्रूव्स, गड्ढा होता है या तो या कैनाल होती हैं। और ये जो पॉइजन ग्लैंड है इनकी जो डक्ट है इसके बेस पर खुलती है, फैंग के बेस पर। और ये जो अपने प्रे को ये उससे बाइट करते हैं और जो वेनम है उनकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। वेनम यानी कि जो स्नेक का जो पॉइजन है उसे वेनम कहते हैं। तो इस तरह जो स्नेक है उनके अंदर पॉइजन ग्लैंड होती है। पॉइजन ग्लैंड कैसी है, वो मॉडिफाइड स्लेवरी ग्लैंड है, उनके अंदर डक्ट प्रेजेंट होती हैं। और पॉइजन को अपने दुश्मन के अंदर इंजेक्ट करने के लिए उनके अंदर स्पेशल टाइप के टीथ पाए जाते हैं जिन्हें हम फैंग कहते हैं। और ये कितने होते हैं, एक जोड़ी होते हैं। और कहाँ होते हैं, अपर जॉ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और जो इनका वेनम होता है यानी कि इनका जो पॉइजन होता है वो न्यूरोटॉक्सिक होता है। न्यूरोटॉक्सिक मतलब कि वो सीएनएस के ऊपर इफेक्ट डालता है, जो ब्रेन है उसकी वर्किंग को वो बंद कर देता है, बॉडी धीरे धीरे पैरालाइज हो जाती है। और एक बार हम दोबारा देख लेते हैं करेक्टर कोबरा का। के अंदर हुड प्रेजेंट होता है, इनकी जो आईलेट्स होती है वो ब्लिंक नहीं करती है, इनके अंदर पॉइजन ग्लैंड होती हैं, फैंग होते हैं, और इनका जो पॉइजन है न्यूरोटॉक्सिक होता है। और इसके अलावा और भी स्नेक्स होते हैं, वाइपर है, रैटल स्नेक है, रैट स्नेक है, पाइथन है, तो ये सब भी पॉइजनस स्नेक होते हैं। और जो रैट स्नेक होता है वो विवीपैरस होता है। विवीपैरस यानी कि वो बेबी को बर्थ देता है, वो एग ले नहीं करता। अब ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये है टिम्फलिना ब्राह्मिना। ये भी स्नेक होता है, ये स्मॉलेस्ट स्नेक होता है। इसकी जो लंबाई होती है 3-4 इंच
होती है और ये स्मॉलेस्ट इंडियन स्नेक होता है और इसके अंदर पार्थेनोजेनेसिस देखने के लिए मिलती है। पार्थेनोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर बिना फर्टिलाइज हुए एग से ही जो बेबी है बाहर निकल आते हैं, मतलब जो बिना अनफर्टिलाइज एग है वो हैच होते हैं और उससे बेबी बाहर आ जाते हैं। तो इनके अंदर जो फीमेल्स होती हैं वो एग ले करती हैं और अनफर्टिलाइज एग से उनके हैच होने पर जो बेबी बाहर आते हैं वो भी कैसे होते हैं, फीमेल स्नेक ही होते हैं। तो इस तरह जो टिम्फिना ब्रह्मिना है ये सब फीमेल ही होती हैं, इनके अंदर मेल नहीं होते हैं। तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर है टिम्फिना ब्रह्मिना का, एक स्मॉलेस्ट इंडियन स्नेक है। तो ये हमने स्नेक के बारे में पढ़ा, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है वॉल लिजर्ड का, यानी जो घरों में छिपकलियां पाई जाती हैं, वॉल लिजर्ड सेकेंड एग्जाम्पल इज। और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो होता है हेमी डेक्टाइलस। और जो छिपकली होती है उसमें उनकी जो डिजिट्स होती हैं उसके नीचे की तरफ स्टिकी पैड पाए जाते हैं। डिजिट्स के नीचे उनकी जो फिंगर्स होती हैं उनके नीचे स्टिकी पैड पाए जाते हैं, जिससे कि वो जब दीवार पर चढ़ती हैं तो वो नीचे नहीं गिरती हैं। तो ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है कि इनकी जो लिम्स होते हैं उनमें फिंगर्स होती हैं और जो फिंगर्स होती हैं उनके नीचे स्टिकी पैड पाए जाते हैं जो कि दीवार के ऊपर चिपक जाते हैं। जब ये दीवार पर क्लाइंब करती हैं, वॉल के ऊपर क्लाइंब करती हैं, तो वो चिपक जाते हैं जिससे कि ये नीचे नहीं गिरती हैं। और इसके अलावा इनके अंदर जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं और ये फिर भी साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं कैसे कि इनकी जो टंग होती है वो टंग को अपनी बक्कल कैविटी के रूफ पर स्ट्राइक करती है जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इनके अंदर वोकल कॉर्ड नहीं होते फिर भी ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं। और एक्सेप्शन केस है एक कि जो गीको भी एक लिजर्ड ही होती है, उसके अंदर वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। तो हमने वॉल लिजर्ड के बारे में जाना कि इनकी जो फिंगर्स हैं उनके नीचे स्टिकी पैड्स होते हैं और ये साउंड प्रोड्यूस करती हैं, अपनी टंग को स्ट्राइक करती हैं ये रूफ बक्कल कैविटी की रूफ पर जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। और इसके अलावा एक इनका स्पेशल कैरेक्टर होता है कि इनके अंदर ऑटोटॉमी पाई जाती है। ऑटोटॉमी यानी कि ये अपनी टंग को अपनी बॉडी से अलग कर देती हैं, जिससे जो इनके जो एनिमी है उनका जो ध्यान है वो भटक जाता है और ये उनसे बच जाती है। तो और फिर जो इनकी जो टेल है वो दोबारा से रीजेनरेट हो जाती है। तो इनके अंदर ऑटोटॉमी की प्रोसेस पाई जाती है, जब कोई इनका जो दुश्मन इनके ऊपर अटैक करता है तो ये अपनी टंग को अलग कर देती है और वो टंग मूव करती रहती है कुछ टाइम तक, तो जो ध्यान है उसका इनके शिकारी का वो टंग की तरफ चला जाता है, इनकी टेल की तरफ चला जाता है और ये इतनी देर में उससे बच जाती है। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अपनी बॉडी के किसी पार्ट को अपने आप ही अपनी इच्छा से अलग कर देना, दिस इज प्रोसेस इज नोन एज ऑटोटॉमी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाता है कैमेलियन का। जो कैमेलियन है उन्हें गिरगिट भी कहा जाता है और गिरगिट कहते हैं रंग बदलती है। तो इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि ये अपने आप को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपने कलर को चेंज कर लेती है। अगर ये ग्रीन कलर में है तो अपना कलर ग्रीन कर लेती हैं, रेड में है तो रेड, ब्राउन में है तो ब्राउन। तो ये बहुत सारे कलर के अंदर अपने आप को चेंज कर लेती है, ये इनका स्पेशल कैरेक्टर है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्रोकोडाइल के ऊपर। जो क्रोकोडाइल होते हैं उनके अंदर हायर एनिमल्स के भी कुछ कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि उनका जो हार्ट है वो फोर चैम्बर्ड होता है, जैसे कि बर्ड्स के अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट है और मैमल्स के अंदर फोर चैम्बर्ड हार्ट है। लेकिन रेप्टाइल्स का हार्ट कैसा होता है, थ्री चैम्बर्ड होता है, लेकिन क्रोकोडाइल का हार्ट कैसा है, फोर चैम्बर्ड, यानी कि हायर एनिमल्स जैसा।
इसके अलावा इनके जो टीथ होते हैं वो थीकोडोंट होते हैं, जैसे मैमल्स के होते हैं, यानी कि जो जॉ बोन है उसके अंदर सॉकेट बने होते हैं, गड्ढे होते हैं, उसके अंदर वो फिट होते हैं, तो इनका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो इनके जो टीथ है वो थीकोडोंट है, जबकि बाकी रेप्टाइल्स के टीथ कैसे होते हैं, या तो एक्रोडोंट होते हैं या प्लूरोडोंट होते हैं। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे टॉर्टाइल्स एंड टर्टल्स का। तो टॉर्टाइल्स में हम टेस्टुडो की बात कर रहे हैं और टर्टल्स में हम चिलोन की बात कर रहे हैं। तो जो टॉर्टाइल्स होते हैं वो एम्फीबियस होते हैं, यानी कि वो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, जबकि जो टर्टल होते हैं वो मैराइन होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, पानी में ही रहते हैं। टॉर्टाइस के लिम्स, टॉर्टाइस के अंदर लिम्स प्रेजेंट होते हैं, फोर लिम्स होते हैं इनके अंदर, और जो लिम्स होते हैं उनके अंदर फाइव डिजिट्स होती हैं, और फाइव डिजिट्स कैसी होती है, उनमें क्लॉज भी होते हैं। जबकि जो टर्टल्स होते हैं उनके जो लिम्स हैं वो चेंज हो जाते हैं किसमें, फ्लिपर्स। और टॉर्टाइस और टर्टल्स दोनों के अंदर ही शेल पाई जाती है, और जो शेल होती है, जो टॉर्टाइस की शेल होती है वो डॉम शेप होती है, ऊपर की तरफ उभरी हुई होती है, ओवल होती है, और टर्टल्स की जो शेल होती है वो थोड़ी कंप्रेस होती है, फ्लैटेंड होती है, और इसको कहा जाता है हार्ड शेप शेल। और इसके अलावा जो टॉर्टाइल होते हैं वो अपने आप को पूरी तरह अपनी शेल के अंदर छिपा सकते हैं, अगर कोई इनके ऊपर अटैक कर रहा है तो ये पूरे अपने आप को शेल के अंदर कवर कर लेते हैं, अपने हेड को पूरी तरह शेल के अंदर कर लेते हैं, जबकि जो टर्टल्स हैं वो अपने हेड को पार्शियली ही शेल के अंदर कर पाते हैं, कम्प्लीटली वो अपनी शेल के अंदर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, और हमने स्नेक में फैंग के अंदर, फैंग के बारे में पढ़ा था। जो फैंग होते हैं वो अगर किसी एनिमी पर अटैक करने में फैंग टूट जाते हैं स्नेक के, तो वो दोबारा से रीग्रो हो जाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था जो रेप्टाइल्स होते हैं वो पॉलीफायोडोंट होते हैं, यानी उनके जो टीथ हैं जितनी बार गिरते हैं उतनी बार ही ग्रो हो जाते हैं। तो अगर उनके जो फैंग हैं वो टूट जाते हैं तो वो दोबारा से रीग्रो हो जाते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा है स्नेक चार्मर्स होते हैं, वो पॉइजनस स्नेक्स को पालते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके जो फैंग हैं उन्हें तोड़ देते हैं, लेकिन वो दोबारा से ग्रो हो जाते हैं, तो इसलिए उन्हें बार बार उन्हें तोड़ना पड़ता है। तो अगर फैंग नहीं होंगे तो वो अपना जो वेनम है उसको अपने उसको इंजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो हमने आज स्नेक्स के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम एप्स के बारे में पढ़ेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।